हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं अपनी चूड़ियों को, अपनी बैंगल्स को कैसे स्टाइल करती हूं अपने आउटफिट्स के साथ, मेनली साड़ीज़ के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी बैंगल कलेक्शन के बारे में, उनकी स्टाइलिंग के बारे में एंड कुछ ऐसी मस्ट हैव बैंगल्स जो हम सभी के पास होनी ही चाहिए, हमेशा काम में आएगी, उन बैंगल्स के बारे में भी मैं बात करूंगी। ऑल्सो मैं इनको कैसे स्टोर करके रखती हूँ वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। ऑल्सो इनमें से जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन खरीदी हुई हैं ना, उनके लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे तो हर तरह की बैंगल्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने भी अभी ना अपनी मेकअप और चूड़ियों वगैरह की शॉपिंग करवा चौथ के लिए जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी, ज्वेलरी, बैंगल्स वगैरह, उन सब की शॉपिंग मैंने अमेज़ॉन से ही की। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स मुझे मिल गए, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज की। तो मेरी पीछे वैनिटी है, इसमें सबसे नीचे वाला जो ड्रॉर है इसके अंदर मैं अपनी सारी बैंगल्स रखती हूँ, जितनी भी मेरी चूड़ियाँ हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो जो सबसे नीचे वाला ड्रॉर है इस रैक का, ये पूरा बैंगल्स से भरा हुआ है। सो ये मेरे पास एक बॉक्स है, दिस इज़ अ प्लास्टिक बॉक्स, ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था और इसमें मेरी सारी चूड़ियाँ हैं। मोस्टली वो वाली चूड़ियाँ जो थोड़ी सी यू नो डिज़ाइनर वाली होती हैं, जिसमें थोड़ा स्टोन वर्क है, उस टाइप की चूड़ियाँ इसमें सब मैंने रखी हुई हैं। सो इस बॉक्स में ना ये सेक्शंस बने हुए हैं, तो बहुत सही रहता है अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे मैंने अपने कड़े रखे हुए हैं, कलरफुल कड़े वगैरह हैं, या फिर जो कुंदन बैंगल्स हैं वो सब इसमें रखी हुई हैं। मैं एक एक करके अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे मैं इनको स्टाइल करती हूँ। सो इस बॉक्स में मैं रखती हूँ और इसके ऊपर ये एक पूरा ऐसे लिड है। सो ये बॉक्सेस मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे पास ऐसे दो तीन हैं जिसमें मैं अपने बाकी की ज्वेलरी भी रखती हूँ। इसमें मैंने अपनी बैंगल्स रखी हुई हैं, बस इसको लिड लगा के मैं यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ। इस तरीके से ना मुझे बैंगल्स दिखती भी रहती हैं और इनको स्टाइल करना भी इजी रहता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है वीडियो के बीच में, मैं फटाफट से इसमें से निकाल के अपना पहन लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और भी बैंगल्स हैं जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हैं और इस बॉक्स में फिट होकर नहीं आती हैं, एक्स्ट्रा हैं, इस बॉक्स में जगह नहीं बची अब एक्चुअली। तो मैं इस तरह के पाउचेज़ में अपनी बैंगल्स को रख लेती हूँ। सो इस तरह के पाउचेज़ भी काफ़ी सही रहते हैं ज्वेलरी वगैरह स्टोर करने के लिए। बाकी इस तरह के पाउचेस भी आते हैं बैंगल्स के साथ, तो मैं इसी में इनको रख देती हूँ, इसमें भी बैंगल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। सो यहाँ पर मेरी सारी प्लेन बैंगल्स हैं, इस बॉक्स में ये आई थी और इसी बॉक्स के अंदर मैंने इनको रखा हुआ है। लाइक इसकी जो लिड है ना, निकाल के दिखाती हूँ, इसकी जो लिड है वो इस तरह से हटा के मैंने नीचे ऐसे लगा कर इसको ऐसे इसमें रख दिया है। तो इसलिए रख दिया क्योंकि मुझे ना दिखती रहनी चाहिए चीज़ें, जब मैं तैयार होती हूँ तो फटाफट चीज़ें मिलती रहती हैं, तो स्टाइल करना उनको इजी होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे इनको ओपन करके रखा हुआ है। जब मैं वीडियोस शूट नहीं करती हूँ या फिर मुझे बैंगल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं वापस इसको बंद कर देती हूँ। ऐसे ही सेम तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर ये एक चूड़ा है, मेरे पास एक ही चूड़ा है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो इसका बॉक्स है। एंड एक और मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें इस तरह से आप ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये कुछ बैंगल्स रखी हुई हैं। रैंडमली कुछ भी मिलता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ये खाली रहता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट मेरे पास एक ये वाला बॉक्स है। इस तरह के बॉक्सेस भी ना काफ़ी सही रहते हैं बैंगल्स वगैरह रखने के लिए, तो इसमें भी अच्छे से आपकी बैंगल्स सिक्योर होकर रहती हैं। सो यार, दिस इज़ माई ड्रॉअर ऑफ बैंगल्स। इसके अलावा मेरे पास और भी कुछ बैंगल्स हैं मेरे शादी के टाइम की, जो बहुत पुरानी बैंगल्स हैं, वो मेरे इन-लॉज़ के घर पे रखी हुई है। तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना और मुझे कहीं रेडी होकर जाना होता है, तो मैं उन बैंगल्स को यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी ही हैं वैसे तो, बट मेरे बैंगल बॉक्स में वो रखी हुई हैं, जो मैं शादी में मैंने ख़रीदा था। एक वो जो बैंगल बॉक्स होते हैं उसमें रॉड लगी होती हैं, वो वाला बैंगल बॉक्स अब तो बहुत पुराना हो गया है, बट वो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। उसमें कुछ बैंगल्स मैंने वहाँ पर भी रखी हुई हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल गई अपनी बैंगल्स लाना, तो मैं उन बैंगल्स को पहन लेती हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चूड़ियों का कलेक्शन एंड साथ ही साथ मैं उनकी स्टाइलिंग के बारे में भी आपसे बात करती जाऊँगी। सो कलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कुछ ऐसी बैंगल्स होती हैं जो हमारे पास ना होनी ही होनी चाहिए, वो हमेशा काम में आती हैं। सो जैसे कि ये गोल्डन बैंगल्स, हर एक आउटफिट के साथ ये मैच हो जाती है। जिस भी आउटफिट में गोल्डन वर्क है ना, उसके साथ आप इन बैंगल्स को पेयर कर सकते हो। तो ये वाला सेट एक मस्ट हैव है, हम सबके पास होना ही चाहिए। सेम ऐसा मेरे पास एक सिल्वर सेट है, ये भी बहुत काम का सेट है। ये ऐसा सेट भी एक ज़रूर रखिए आप अपने पास।
किसी भी आउटफिट में सिल्वर वर्क है तो उसमें आप इनको पहन सकते हैं, या फिर कॉटन ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं सिल्वर बैंगल्स, सिल्वर ज्वेलरी के साथ आप इनको पेयर कर सकते हैं। सो इन दोनों बैंगल्स में ना मेरे पास दो दो सेट हैं, लाइक दो सेट मेरे पास ये सिल्वर वाले के हैं एंड दो सेट गोल्डन वाले के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मिक्स एंड मैच करने में भी ये काफ़ी काम आती हैं, तो ऐसी बैंगल्स तो आप ज़रूर रखिए अपने पास। नाउ इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स हैं, जैसे कि ये पूरी बैंगल्स हैं मेरे पास, इनको मैं अपनी इन सिल्वर वाली बैंगल्स के साथ मिक्स एंड मैच करके, अगर सिल्वर वर्क है आउटफिट में तो सिल्वर के साथ पेयर कर लेती हूँ, अगर गोल्डन वर्क है तो गोल्डन के साथ पेयर करके अपना सेट बना लेती हूँ कलर के हिसाब से, जो भी कलर मुझे पहनना है। एंड मुझे ना इस तरह की बैंगल्स पसंद हैं जो थोड़ी सी ना मैट फिनिश में होती है। एक बैंगल आती है जिसमें ना बहुत ज़्यादा शाइन होती है, शिमर होती है, पूरे हाथ पे फैल जाती है, वो वाली बैंगल्स मुझे बहुत गंदी लगती हैं। मतलब मैंने अपनी शादी के टाइम पे वो खरीदी थी एंड जब भी मैं उनको पहनती थी ना पूरे हाथ पर, पूरे फेस पर स्पार्कल स्पार्कल हो जाता था। सो वो वाली बैंगल्स को आप अवॉइड करना। मैंने गलती से वो वाली बैंगल्स ले ली थी क्योंकि मुझे चूड़ियों वाले भैया ने वही दिखाई और वही मेरे सेट में लगा के दे दी, तो मुझे पता नहीं चला। बट ये चीज़ अब मैं ध्यान रखती हूँ, मैं जब भी कोई बैंगल लेती हूँ तो विदाउट एनी शिमर, विदाउट एनी शाइन वाली लेती हूँ। सो आप कांच में भी ले सकते हैं ऐसी बैंगल्स, आप मेटल में भी ले सकते हैं, मेरे पास कुछ कांच में है, कुछ मेटल में है। ये पूरा एक सेट है मेरे पास जो मैंने लिया था, जो बहुत यूज़ होता है मेरा, मैं कलर के हिसाब से बस इनको मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। सो ये सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्हीं में से मैं ज़्यादातर अपनी बैंगल्स को यूज़ करती हूँ। सो नेक्स्ट मेरे पास ये वाली बैंगल्स हैं, इनमें ना बहुत छोटे छोटे से स्टोन्स हैं। ये बैंगल्स मेरी शादी के टाइम की हैं, मैंने अपने लहंगे के साथ मेरे सेट में आई थी एंड ये बैंगल्स भी मेरी बहुत यूज़ होती हैं, मैं किसी के साथ भी इनको मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। सो दीज आर द बैंगल्स, मरून कलर में एक सेट आप ज़रूर रखिए। इस तरह की बैंगल्स आप ले सकते हैं जो थोड़ा सा हैवी लुक अगर आपको चाहिए साड़ीज़ के साथ, लहंगे के साथ, तो मरून कलर में आप एक पेयर ज़रूर रख सकते हैं, एक सेट आप उसका भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास ये वाली बैंगल्स हैं चूड़ियों में मिक्स करने के लिए, लाइक जब मैं कोई सेट पहनना है मेरे को तो चूड़ियों के बीच में लगाने के लिए, जैसे कलरफुल वाली बैंगल्स मैंने को दिखाई तो उनमें से 12 बैंगल्स ही हैं, तो थोड़ा सा भरा हुआ हाथ दिखाने के लिए ना मैं उनमें ये मिक्स कर देती हूँ, गोल्डन वाली बैंगल्स मिक्स कर देती हूँ। ये भी मेरी शादी के टाइम की ही है, मैंने लहंगे के साथ खरीदी थी, उसी सेट की ये बैंगल्स हैं, अभी भी मैं इनको यूज़ करती हूँ अपनी इन बैंगल्स के साथ मिक्स एंड मैच करके। सो ये थी मेरी कुछ बैंगल्स। अब मैं बात करूँगी कड़ों की। इन बैंगल्स से मेरा काम चल जाता है, मतलब इतनी बैंगल्स काफ़ी हैं किसी भी साड़ी किसी भी आउटफिट के साथ पेयर करने के लिए। बाकी आप इनमें और मिक्स एंड मैच करके अपने सेट को हैवी बना सकते हो, थोड़ा हल्का बना सकते हो, वो आगे मैं आपसे बात करूँगी। सो मूविंग ऑन टू कड़ाज, मुझे ज़्यादातर ना कड़े वगैरह पहनना पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा भर के चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, जैसे अगर मेरे को इन लॉज की तरफ कोई शादी है वो अटेंड करनी है तो वहाँ पर मैं बैंगल्स पहनती हूँ खूब अच्छे से भर के, या फिर जैसे भी करवा चौथ पर। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल इवेंट्स में तो मैं सिर्फ एक हाथ में बस कड़ा डाल लेती हूँ, दैट्स इट। सो अगर मैं बात करूँ मस्ट हैव कड़ाज की, तो सबसे पहले आते हैं कुंदन कड़े। इस तरह के जो कड़े होते हैं आप किसी भी बैंगल के साथ अपना मिक्स एंड मैच कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं प्लेन बैंगल्स के साथ, आगे पीछे बस इनको लगा लो, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारा एलिगेंट लुक आता है। और मैं अपनी बैंगल्स को ना ज़्यादातर बहुत सिंपल तरीके से ही पहनती हूँ, ज़्यादा मिक्स एंड मैच नहीं करती, ज़्यादा तरह की बैंगल्स एक साथ मिक्स नहीं करती, बहुत क्लीन लुक रखती हूँ, तो बस बीच में एक कलर रखो एंड आगे पीछे इन कड़ों को लगा लो, बहुत प्यारा लुक आता है। नेक्स्ट कुंदन में ही मेरे पास ये वाले कड़े हैं, पूरे गोल्डन फिनिश में है ये, इनका जो अंदर का स्टोन है वो भी गोल्डन कलर में ही है, ये भी बहुत प्यारी लगती हैं चूड़ियाँ, इनको भी मैं आगे पीछे लगा लेती हूँ या फिर बीच बीच में मिक्स एंड मैच करके लगा लेती हूँ। सो ये वाले कड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट ये हैं मेरे पास साड़ीज़ जो होती हैं सिल्क साड़ीज़ या फिर सिल्क कॉटन साड़ीज़, उनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं कोई इस तरह की ज्वेलरी पहनती हूँ, साउथ टाइप की ज्वेलरी पहनती हूँ, टेंपल ज्वेलरी पहनती हूँ, उनके साथ ये वाली बैंगल्स बहुत प्यारी लगती हैं, तो मैं इनको सिंगल सिंगल भी पहनती हूँ, चूड़ियों के आगे पीछे भी इनको लगा के पहनती हूँ। सो इस तरह से मैं इनको मैच कर लेती हूँ एंड अगर मुझे लुक थोड़ा सा और हैवी चाहिए होता है तो मैं इनके बीच में और अपने ये कुंदन वाले कड़े ऐड कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं पहन लेती हूँ थोड़े से हैवी लुक के लिए, जब मुझे हाथ थोड़ा सा भरा हुआ चाहिए तो मैं इनमें ये कुंदन वाली जो बैंगल्स हैं इनको बीच में से ऐड कर देती हूँ, तो मेरी चूड़ियाँ थोड़ी भरी भरी भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगता कि मैंने बहुत शाइनी शाइनी बैंगल्स पहन लिए, काफ़ी एलिगेंट लुक आता है। सो इस तरह से मैं हमेशा मिक्सिंग एंड मैचिंग करती हूँ। सो इस तरह से मैं कलरफुल बैंगल्स को यूज़ कर करके डिफरेंट डिफरेंट अपने सेट तैयार कर लेती हूँ, साड़ीज़ के हिसाब से उनको पेयर कर लेती हूँ। सो या इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टाइल करना अपनी बैंगल्स को, बहुत सिंपल सा लुक भी आता है। नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह के ये वाले कड़े भी हैं, इनको भी सिंगल सिंगल तरीके से पहन लो तो अच्छे लगते हैं, सिंगल एक हाथ में बस डाल लो
किसी भी साड़ी के साथ अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर है, तो किसी भी साड़ी के साथ ये पैर हो जाते हैं। सो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। इनको भी मैं सिंगल सिंगल भी पहनती हूँ और अपनी बैंगल्स के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ। सो नेक्स्ट मेरे पास है ये वाली बैंगल्स, पूरी गोल्ड फिनिश में है एंड इसमें ना स्टोन्स लगे हुए हैं बीच बीच में, मल्टी कलर स्टोन्स लगे हुए हैं। ये वाली बैंगल्स बहुत अच्छी लगती हैं चूड़ियों के बीच में, जब इनको लगाते हैं तो बहुत प्यारा लुक आता है, तो मैं ज़्यादातर इनको अपनी चूड़ियों के बीच में लगाना पसंद करती हूँ। काफ़ी अच्छा बन के आता है इसका सेट भी। सो ये जितने भी बैंगल्स मैंने दिखाई ना, ये जो कड़े हैं ये सभी ना बहुत वर्सेटाइल हैं, किसी के साथ भी पैर हो जाते हैं। इसी तरह से मेरे पास ये गोल्डन में कड़े हैं, मेरे को इस तरह के जो ये इसमें बीड्स की डिटेलिंग होती है ना, जिसमें आई डोंट नो इन बैंगल्स को क्या बोलते हैं, बट इस तरह के जिसमें ऐसे मोती जैसा लुक होता है, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और इनमें मेरे पास गोल्डन में भी हैं और सिल्वर में भी है, एंड अगेन इनको भी मैं सिंगल सिंगल भी पेयर कर लेती हूँ, इस तरह से इकट्ठा भी पहन लेती हूँ एंड अपनी चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके भी पहन लेती हूँ। बहुत सुंदर लगते हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत पहनती हूँ इनको। नेक्स्ट इन्हीं बीडेड स्टाइल में मेरे पास ये वाली बैंगल्स हैं, इनमें भी इस तरह का डिज़ाइन है इसमें सेम, लेकिन ये ना काफ़ी उभरे हुए हैं। मुझे उभरे हुए जो कंगन होते हैं ना ऐसे, जो चूड़ियों के साइड से ऐसे ऊपर की तरफ आते हैं इस तरह से, जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, चूड़ियाँ आपने पहनी उसके ऊपर थोड़ा सा जो जाते हैं, इस तरह की बैंगल्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनको भी मैं अपनी चूड़ियों के आगे पीछे लगाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह से बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं इस तरह से भी लगाती हूँ इनको एंड कभी कभी मैं बीच में भी लगा लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ये फोर हैं तो मैं ऐसे लगा लेती हूँ इनको। एंड और भी ज़्यादा अगर मेरे को और ज़्यादा भर के चाहिए तो मैं इनके बीच में और अपनी गोल्डन वाली बैंगल्स को भी ऐड कर लेती हूँ। सो इस तरह के जो ये बीडेड वाले होते हैं या फिर थोड़े से उभरे हुए होते हैं ना, इस तरह के कड़े हमेशा यूज़ में आते हैं। आप इस तरह के कड़े अपने लिए ले सकते हैं, हमेशा काम में आएंगे, कभी भी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होते हैं। मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ उनको, मेरे को 7-8 साल हो गए एंड 7-8 साल से ना ये फैशन कभी जाता नहीं है। आप कभी भी देखना बैंगल्स में, जब भी भैया वगैरह सेट वगैरह बना के देते हैं ना, चूड़ियों की दुकान पे आप जाओ तो वहाँ पर इस तरह की बैंगल्स ज़रूर ही ज़रूर होंगी किसी ना किसी सेट में, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा इनको मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करती हूँ अपनी बैंगल्स के साथ। नेक्स्ट इसी डिज़ाइन में मेरे पास एक ये बैंगल्स हैं, मेरे पास ये दो बैंगल्स हैं, ये भी मैंने अमेजोन से ही ली थी आई थिंक, एंड ये थोड़ी सी ब्लैक फिनिश में है। इनमें ना साइड में ये स्टोन की डिटेलिंग भी है जो बहुत प्यारी लगती है एंड काफ़ी हैवी लुक आता है इन पूरे कड़ों में। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई ऐसी साड़ी होती है जिसमें इस तरह की जरी होती है जो थोड़ी सी गोल्डन होती है लेकिन थोड़ी सी यू नो ब्लैक फिनिश में होती है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। एंड ये भी थोड़ी सी उभरी हुई है, इसको भी मैं बहुत पहनती हूँ अपनी प्लेन बैंगल्स के साथ भी एंड दूसरे कड़ों के साथ भी। कड़ों को स्टैक कर लो एंड आगे पीछे इनको लगा लो, बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मेरे पास बिल्कुल गोल्डन शाइन में ये कड़े हैं एंड इनमें ना ये पेंच लगा हुआ है, साइड में ये पेंच लगा हुआ है, गोल्ड फिनिश में है एंड ये मैं कितने टाइम से, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 3-4 साल हो गए, इनकी पॉलिश ख़राब नहीं हुई है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे निकले हैं कड़े और बहुत प्यारे लगते हैं। मैं इनको ज़्यादातर ना ऐसे सिंगल सिंगल डालती हूँ, लहंगे वगैरह के साथ, साड़ी वगैरह के साथ। कभी ऐसा होता है ना जब आपने फुल स्लीव का ब्लाउज़ पहना है तो आप उसमें ज़्यादा बैंगल्स नहीं पहन सकते, तो बस एक ये कड़ा पहन लो, काफ़ी हैवी लुक आ जाता है ऑलरेडी, आपको बैंगल्स पहनने की ज़रूरत भी नहीं आती, हाथ भी सुंदर लगता है, भरा भरा लगता है एंड यू नो बैंगल्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ज़्यादातर इनको पेयर करती हूँ जब मैं फुल स्लीव का ब्लाउज़ पहनती हूँ या फिर अगर मेरे को चूड़ियाँ भी पहननी है तो मैं उनके आगे पीछे भी लगा लेती हूँ। कम चूड़ियाँ हैं तो उनके आगे पीछे लगा लो, हाथ काफ़ी भरा भरा लगता है ना। कुछ ऐसी साड़ीज़ होती हैं जिसमें स्टोन वर्क होता है या फिर उनके साथ ही गोल्डन बैंगल्स पहननी होती, तो मैं उनके साथ पेयर करती हूँ ये अपनी सिल्वर बैंगल्स। ये मैंने अभी रिसेंटली ली हैं, इससे पहले मेरे पास और भी सिल्वर बैंगल थी, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने अभी ली हैं, मैंने आपसे शेयर भी किया था अपने हॉल वीडियो में, तो ये मुझे बहुत पसंद आई है, मैं करवा चौथ पे इनको पहनने वाली हूँ। बहुत सुंदर डिज़ाइन है एंड क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। सो अगेन इनको ऐसे सिंगल भी पहन सकते हैं, किसी गाउन वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं, इनफैक्ट कोई हैवी गाउन पहन रहे हैं आप, पार्टी वेयर गाउन, तो उसके साथ भी आप सिंगल सिंगल पहन सकते हैं, साड़ी के साथ पहन सकते हैं, लहंगे के साथ पहन सकते हैं, जिसमें भी थोड़ा सा यू नो सिल्वर इस तरह का वर्क है जिसमें आपको ऐसा डायमंड वाला कुछ पहनना है तो आप उसके साथ पहन लो। बाकी आप इनको चूड़ियों के साथ भी आगे पीछे लगाकर पहन सकते हो, कि चूड़ियों के साथ भी ये बहुत प्यारी लगेंगी। और इस तरह के जो उभरे हुए पैटर्न होते हैं ना, ये हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं, प्लेन बैंगल्स बीच में और ये उभरे हुए कड़े साइड में लगा लो, हमेशा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये गोल्डन बैंगल्स हैं, ये भी मेरे पास दो हैं, ये मेरी काफ़ी पुरानी है, शादी के टाइम की है ये मेरी बैंगल्स। सिंगल पहनती हूँ ज़्यादातर मैं इसको और चूड़ियों के बीच में भी इनको लगा लेती हूँ, तो ये बीच में भी अच्छी लगती हैं, साइड में भी अच्छी लगती हैं
और सिंगल भी बहुत अच्छी लगती हैं, किसी पार्टी वेयर ड्रेस के साथ भी, इनफैक्ट मैं इसको पहन लेती हूँ, कोई गाउन वगैरह पहना है तो उसके साथ भी इनको सिंगल बस एक हाथ में डाल लो, एक हाथ में वॉच पहन लो तो भी बहुत अच्छी लगती हैं। जो ऐसे आउटफिट होते हैं ना जिसपे गोल्डन वर्क वाली बैंगल्स काम नहीं करती, उन पर वाइट डायमंड वाली बैंगल्स चाहिए या फिर वाइट फिनिश में कोई ज्वेलरी पहननी है या फिर अपने आपने कोई ज्वेलरी पहनी है वाइट स्टोन वाली या फिर यू नो डायमंड ज्वेलरी पहनी, तो उसके साथ इस तरह की बैंगल्स अच्छी लगती हैं। सिमिलरली मेरे पास ये बैंगल्स हैं जो मैं मिक्स एंड मैच करने के लिए यूज़ करती हूँ, बैंगल्स के बीच में लगाने के लिए, ये भी अगेन स्टोन वर्क में आ जाती हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। अगर मैंने कोई ऐसी ज्वेलरी पहनी है वाइट स्टोन वाली है उसके साथ मुझे पेयर करना है अपनी बैंगल्स को, तो मैं ये वाली बैंगल्स पहन लेती हूँ। इनको ऐसे स्टैक करके भी पहन सकते हैं, सो इनको भी मैं अपनी प्लेन बैंगल्स के साथ पेयर करके पहन लेती हूँ। अगर मुझे हैवी लुक के लिए नो साड़ी लहंगे के लिए पूरा भर के चूड़ियाँ पहनी है तो चूड़ियों के बीच में इनको पहन लेती हूँ, या फिर इनको ऐसे सिंगल भी पहनो ना तो बहुत सुंदर लगती हैं ये। किसी भी इवनिंग पार्टी वगैरह में मुझे सिंपल साड़ी मैंने पहनी है तो बस एक की बैंगल डाल लो, एक हाथ में वॉच पहन लो एंड दैट्स इट। नेक्स्ट जड़ाऊ कंगन भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी उस तरह के पीसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक हाथ में बस एक कड़ा पहनना है ना तो आप जड़ाऊ कंगन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये कड़ा है, बहुत ही प्यारा है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, स्टोन वर्क है, मीनाकारी वर्क है, बहुत ही प्यारी बैंगल है एंड बहुत सुंदर लगती है। इसको बस अकेले हाथे पहन लो एंड अपने आप में एक स्टेटमेंट लुक आता है। वैसे आप इसको चूड़ियों के आगे भी पहन सकते हो या फिर अगर आपके पास दो हैं तो आप आगे पीछे भी पहन सकते हो, एंड अगेन ऐसे उभरे हुए पैटर्न्स तो हमेशा ही बैंगल्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं भी हमेशा इसी तरह से मिक्स एंड मैच करती हूँ, मैं अपनी चूड़ियों को ना हमेशा प्लेन ही रखती हूँ, उनमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगता एंड वो बहुत ज़्यादा ना फंसती भी रहती हैं साड़ी की एम्ब्रॉयडरी के साथ या फिर साड़ी के धागे वगैरह उसमें फंसते रहते हैं, तो सिंपल प्लेन चूड़ियाँ ही सबसे बेस्ट होती हैं। नाउ कुछ मेरे पास ये सिल्क बैंगल्स भी हैं, सिल्क थ्रेड वाली जो बैंगल्स होती हैं, सो एक्चुअली ये बहुत सारी हैं मेरे पास, ये पूरा सेट था एक्चुअली, ये पिंक वाला सेट और येलो वाला सेट मैंने साथ में लिया था। सो ये बैंगल्स भी मेरी बहुत मुझे पसंद हैं, तो इनको मैं एज अ सेट भी पहनती हूँ प्लस अपनी दूसरी बैंगल्स के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ, प्लेन बैंगल्स के साथ या फिर अपनी कुंदन बैंगल्स के साथ, अपने कड़ों के साथ, सबके साथ ना कहीं मिक्स एंड मैच होकर बहुत अच्छा सेट बन जाता है, तो इनको भी मैं बहुत पहनती हूँ। सिमिलरली मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं सिल्क बैंगल्स में, ये सब मैंने इकट्ठी ली थी और अभी तक चल रही हैं, इनको भी मैं ऐसे स्टैक करके पहन लेती हूँ एक साथ या फिर मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ, कहीं ना कहीं यूज़ होती ही रहती है मेरी ये वाली बैंगल्स भी। नेक्स्ट मेरे पास ये वाले कड़े हैं, इसमें पर्ल्स की डिटेलिंग है, गोल्डन फिनिश में है। ऐसी बैंगल्स भी बहुत वर्सेटाइल होती हैं, किसी भी आउटफिट के साथ आप पहन लो, सिंगल सिंगल पहन लो, चूड़ियों के साथ मिक्स करके पहन लो, एंड इसमें ना ये स्क्रू है साइड में, इसको खोल के आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। सो ये भी मेरे एक बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इनको भी मैं बहुत पहनती हूँ अपनी वीडियोज़ में। नेक्स्ट मेरे पास ये मल्टी कलर वाली बैंगल्स हैं, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे प्लेन आउटफिट के साथ। अगर मैंने बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनी है, एक ही कलर का ब्लाउज और एक ही कलर की साड़ी अगर मैंने पहनी है, तो उसके साथ ये मल्टी कलर की बैंगल्स पहन लो सिर्फ, बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब चूड़ियाँ ना बहुत ही खिल के आती हैं, लुक बहुत प्यारा आता है। तो मैं कभी शेयर करूँगी अपना लुक, अभी तो मेरे पास कोई शायद मेरा मैंने वीडियो में तो कभी नहीं पहना, बट बहुत ही लुक अच्छा लगता है इसको अगर आप किसी प्लेन आउटफिट के साथ पहनते हो या फिर वाइट कुर्ती के साथ, वाइट आउटफिट के साथ आप पहनो तो भी बहुत प्यारा लुक आता है। एकदम से मल्टी कलर आप हाथ में पहन लो तो काफ़ी उभर के दिखता है, खिल के दिखता है। सो दीज आर द बैंगल्स एंड इनको भी अगेन मैं मिक्स एंड मैच करके भी पहन लेती हूँ। सो दिस इज़ माई कलेक्शन, मेरे पास बहुत सारी बैंगल्स नहीं हैं बट ये जितनी भी बैंगल्स हैं ना मेरे पास, इनसे मेरा काम चल जाता है, ट्रस्ट मी, इनसे ज़्यादा और बैंगल्स की ज़रूरत मुझे पड़ती ही नहीं है। इन्हीं को बस मिक्स एंड मैच करके नए नए सेट बना के मैं पहनती रहती हूँ, मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मुझसे ना इतनी सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता संभालते रहना, ऑर्गेनाइज करते रहना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भर के रखने की आदत नहीं है। मेरे पास ये सिलेक्टेड बैंगल्स हैं मेरी बस, जो मैं जिनको मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, एक भी बैंगल इसमें से ऐसी नहीं है जो मतलब पड़ी रहती है बस मेरे ड्रॉअर में, मैं इनको पहनती हूँ और ज़्यादातर मैं वेडिंग फंक्शंस में या फिर पूजा वगैरह में, थोड़े से यू नो फेस्टिव ओकेजन में या फिर कोई बड़े फंक्शंस होते हैं उसी में मैं बैंगल्स पहनती हूँ। अदरवाइज मैं सिंगल कड़ा वगैरह पहन के मेरा काम चल जाता है, मैं बहुत ज़्यादा भर के बैंगल पहनने की मेरी हैबिट नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा बैंगल्स पहनना पसंद भी नहीं है। ऑल्सो प्लीज़ गलत मत समझना, बहुत सारे लोग आके ना मेरे चैनल पर बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट करके जाते हैं कि तुम ये क्या सिखा रही हो, चूड़ियाँ मत पहनो, कड़ा पहनो, तो मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, मेरे को जो पसंद है मैं वो बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बैंगल्स मत पहनो, आपको जैसे पसंद है आप वैसे पहनो, जैसे स्टाइल करना पसंद है आप वैसे पहनो, आपको हाथ भर के चूड़ियाँ पहनना पसंद है आप बिल्कुल पहनो, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट एक जगह होती है हर जगह पर आप ऐसे हाथ भर के चूड़ियाँ तो नहीं पहन सकते, लाइक अपने ऑफिस में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा
बैंगल्स तो आप वहाँ पर भी नहीं पहन के जाओगे ना, मैं सिंगल कड़ा वगैरह आप पहन लो फॉर्मल लुक के लिए। मैंने जैसे साड़ी पहनी है तो मैं यहाँ पर बस कड़ा पहन लेती हूँ, या फिर कोई छोटे मोटे गेट टुगेदर में मैंने साड़ी पहनी है तो वहाँ पर मैं सिर्फ हल्की फुल्की बैंगल्स पहन लेती हूँ। किसी शादी वगैरह में जाती हूँ ना तभी मैं हाथ भर के पहनती हूँ। सो या प्लीज़ जज मत करना इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे पता है अभी भी आएंगे, क्योंकि एक मैंने वीडियो में शायद ऐसे बोला था अपनी ज्वेलरी मिस्टेक्स वाली वीडियो में शायद, एंड मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी उस वीडियो में। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ मिक्सिंग एंड मैचिंग की, तो मैंने कड़ों के साथ साथ आपको बता ही दिया कि मैं किस तरह से उनको पेयर करती हूँ, बट जो दो तीन चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान देती हूँ वो है कि मैं जब भी मुझे हाथ भर के चूड़ियाँ पहननी है ना, तो मैं हमेशा अपनी चूड़ियों को अपने ब्लाउज से मैच करती हूँ। लाइक अगर मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है और रेड कलर का ब्लाउज़ पहना है, तो मैं जो चूड़ियाँ पहनती हूँ ना वो येलो कलर की नहीं पहनती, वो मैं रेड कलर की पहनती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक ऐसे कॉन्ट्रास्ट बना के आप पहनोगे ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, आप ट्राई करना, मुझे ऐसे बहुत अच्छी लगती हैं। ब्लाउज़ और बैंगल्स को मैं हमेशा एक ही कलर में रखती हूँ, और अगर मेरे पास ब्लाउज़ के मैचिंग की बैंगल्स नहीं है तो फिर मैं साड़ी से मैच कर लेती हूँ, या फिर अगर मेरे पास साड़ी की मैचिंग की भी नहीं है तो जो उसका बॉर्डर है, जो उसका वर्क है, अगर कोई उस पर वर्क है तो वो मैं फॉलो कर लेती हूँ, बस उससे मैचिंग की मैं बैंगल्स पहन लेती हूँ। जैसे गोल्डन मैंने आपको दिखाई, गोल्डन बैंगल्स मेरी चल जाती हैं ऐसी केस में, जब मेरे पास कोई बैंगल्स कोई कलर नहीं होता मैचिंग का तो मैं अपनी गोल्डन वाली पहन लेती हूँ, या फिर अगर उस पर सिल्वर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है साड़ी पे तो मैं सिल्वर वाली पहन लेती हूँ, या फिर कुंदन वाली जो चूड़ियाँ हैं उनको अपनी गोल्डन वाली चूड़ियों के साथ भी पेयर करके मैं थोड़ा सा हैवी लुक क्रिएट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच कर करके ना मैं इन्हीं चूड़ियों से मेरे बहुत सारे सेट बन जाते हैं। एंड कई बार क्या होता है जब हम शॉप पर जाते हैं, भैया को हम साड़ी दिखा देते हैं कि भैया इसके मैचिंग का सेट बना दो, तो वो ना चूड़ियाँ ना रिपीट होती रहती हैं आपके पास, वही सेम चूड़ियाँ आपके पास ऑलरेडी हैं आपके सेट में, जो हमने पहले सेट लिया था उसमें ऑलरेडी हैं वो बैंगल्स, बट अगेन फिर से हम एक नया सेट लिया है तो उसमें फिर से वो बैंगल्स आ जाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली, आप सिर्फ प्लेन बैंगल्स लो एंड अपना खुद से अपना सेट तैयार कर लो घर पे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो मेरे पास कलर मेरे को चाहिए होता है वो कलर की बैंगल्स ले लेती हूँ एंड इन्हीं के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनती रहती हूँ। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ भर के भी चूड़ियाँ नहीं पहननी है एंड बहुत एक सिंगल कड़ा भी नहीं पहनना है, तो भी आप आपस में ना कड़ों को भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। जैसे मैं अपने ये सिल्क वाले कड़ों को इन कुंदन वाले कड़ों के साथ पेयर करके पहनती हूँ, ये भी अच्छे लगते हैं, या फिर इस तरह से भी मैं अपनी जो ये बैंगल्स हैं स्टोन वाली इनको बीच में लगा के आगे पीछे कुंदन वर्क वाली बैंगल्स लगा लेती हूँ, इससे भी बड़ा सुंदर सा सेट बन जाता है एंड बहुत ज़्यादा भरा भरा हाथ भी नहीं लगता। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा आईडी है myolivetrunk। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।